आज क्योंकि कुछ भी धरती पे कुछ भी इरादे से गिर जाता सब में चीजिए कोई भी बात में बोल ली हाँ वही हो रही है तारा गारा से कभी बंधा वाला नहीं था तू नहीं बैठ हम सबका के बैठा दे बैठा है ना तो तारा का देखे थोड़ी है बड़ो खेसरिया का देखे बड़ो सब बाबू विनोद आज खेसारी का इतना बड़ा सौभाग्य है कि देखिए लोग और लेकिन बात को तारा ना तो मुझे बात को ले लिया हाथ पर करके देखो काम करो सीढ़ी लगा के और ऊपर बात चल जाओ ओकरा बाद हम खुद भगवान से बोले लेकिन भी चलो भगवान जी एक आदमी होला लगभग के चल रहा दूरबीन लगा रहे कभी पार्टी में मिल गए तो वह 20 आदमी का पार्टी होता है कभी फंक्शन में मिल गए तो वह 40 आदमी होता है अब आज 5 लाख पब्लिक में तो पहली बार मिले है ना ये लोग ये सब लड़के इस दुनिया में सबसे बताया कि मैं शादी शुदा हूँ मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन उसके बावजूद भी सिनेमा में हीरोइन के मांग में सिंदूर डालता हूँ ना सिनेमा में सुहाग रख मनाता हूँ ना वह भी जब लड़के हो जाता है होता है कि नहीं होता वो अलग मैटर है कि दिखाया नहीं जाता है कि कहाँ से निकला है वो अलग मैटर है लेकिन लड़के होता है ब्याह होता है सुहाग क्योंकि ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है दोस्ती और शायद आज हम दोस्त रहेंगे ठीक है थोड़ा बहुत होता है एक दूसरे से सगीस के साथ झगड़ा तगड़ा नहीं होता कभी अपने जगह पे बहुत बड़ी हो सकते हैं कभी अपने जगह पे बहुत बड़ी है और हर आर्टिस्ट अपने जगह पे बड़ा ही होता है और अक्षरा को ये भी कहा जाता है कि भाई पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी है तो शेरनी के मतलब ये होता है कि किसी का बर्दाश्त नहीं करना क्योंकि जिसको काम आता है वो किसी का बर्दाश्त नहीं जिनको लड़कियां अपनी आइकॉन मानती हैं जिनकी तरह बनने की कोशिश करती हैं तो मेरी शुभकामना है अक्षरा जी आपके लिए कि ऐसे ही आप पूरी दुनिया का भी तो सिर्फ राज्य की बनी है आइकॉन मुझे मैं चाहता हूँ कि पूरे 140 करोड़ जनता के आइकॉन बने आप बड़ी सुनता हूँ साइड हट जाइए भैया आई लव यू हमारा आई लव यू मोहब्बत सतारा हमारा आई लव यू का कीड़ा पड़ल बका मैंने हमारे किरदार था
कोई नहीं। आज आप भी इन्हीं से प्यार करते हैं, हम भी इन्हीं से प्यार करते हैं, हमारा अस्तित्व इन्हीं की वजह से है। अगर आज ये मोहब्बत नहीं की होती तो शायद आज ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत लोगों के पास हुनर है, लेकिन सब आप सबका प्यार है, हर आदमी को आगे बढ़ाना है, आप सबके मोहब्बत करके। थैंक यू सो मच। चलिए दीपावली हम क्यों मनाते हैं और दीपावली के शुभ अवसर पे, हाँ मुझे भी प्रॉब्लम लग रहा है, बाहर आवाज नहीं जा रही है तो थोड़ा वाइट इधर है। आई तो राम जी की बात है, हम दीपावली क्यों मनाते हैं, जब भगवान राम अयोध्या आए थे तब हम लोगों ने दीपावली मनाया, तो उसी भगवान राम के लिए हनुमान के लिए एक गाना था। साउंड का इतना बड़ा नाम है और आप ऐसे बनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
अच्छा बैक बैक से आवाज भी आ रही है, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाएंगे ना, शायद आवाज जो हमारे इंस्ट्रूमेंट को मिले तुम लोग को बजाने में दिख जितने भी हमारे बाबू आप लोग बक्स से उतर जाए क्योंकि सारा सिंगार उसी पे है, वो अगर खत्म हुआ तो कार्यक्रम बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जितने भी है आप लोग को ज्यादा दिक्कत है तो वो लड़का बंद था लेकिन कितना सज्जन लड़का है वो, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा फूल LIC करा के चढ़ा है। अगर जीवन में कुछ होगा नहीं तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा फिर अपना बहुत शुक्र जाने वाले भविष्य के लिए। क्यों ऐसा क्यों मेरे को ऐसे ही हम जाना सर दोनों प्रोग्राम में जाइए दो चार जना जाना लो तू लोग काहे गए उतर के हमारा डर लगा तू लोग चढ़ रहा हमारे पर धक्का ये बताइए कि हम 40 फीट पर कौन एंजॉय करता है जी बेचारा हिंदी में बताओ नीचे रहोगे तो थोड़ा सा हाथ पर मारोगे इधर उधर कमर उमर हिलाओगे ऊपर से पता चले थे कि जहाँ हिलने की बहनी थोड़ा सा ध्यान दो उतर जा यार डर लग रहा है मुझे ये कोनो बात ना अब देखो उधर लंबा लंबा इधर भी चढ़े हैं पंडाल में भी आहा शंकर जी का मुड़ी पर बैठ के खेसरिया के एंजॉय कर लेगा देखा हूँ मंदिरिया पर बैठ के मिल रहा है रे रे उतार रहा है रे जगदम्बा उतार उतार मैंने लौकर देखे कि मंदिर है कालो कही कैसे जितना खुश हो जाएंगे उधर कर के मेरी गलती क्या है आप दुनिया में कहीं चली जाइए कि लेकिन दुनिया यही जानती है हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है ये पगली को मैं समझाता हूँ वही पगली नहीं मानता यही बात तो आपको समझ जाना चाहिए कि लोग हमें पसंद करते हैं तो पीछे टॉर्चर का है फ्रंट में आइए कितनी मनुष्य